यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली में बाढ़ का संकट गहरा रहा है। इसी को देखते हुए जो है मयूर विहार के जो SDM है वो मुआयना करने निकले हैं। इस बोट से जो यमुना किनारे लोग बसे हुए हैं उन इलाकों में मुआयना किया जा रहा है। राजू त्यागी जी हैं, SDM हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या अपडेट है अब तक कि आप लगातार मुआयना कर रहे हैं, रेस्क्यू करने का काम चल रहा है, क्या अपडेट है? काम इस प्रशासन की तरफ से काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है, सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं। रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, टॉयलेट्स की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, प्रशासन अपनी तरफ से एहतियाती कदम उठा रहा है। तो अभी रेस्क्यू का काम क्या शुरू कर दिया गया, और रेस्क्यू करने के बाद कहाँ उन्हें रखा जाएगा, कोई टेंट लगाने के इंतजाम शुरू कर दिए गए? रेस्क्यू का काम कल से चल रहा है, टेंट लगा दिए गए हैं और अभी लगातार टेंट लग रहे हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है टेंट लग रहे हैं। तो सर, कितना पानी छोड़ा गया आज और अब तक क्या इतिहास रहा है पानी छोड़ने का, क्या इस बार सबसे ज्यादा पानी छोड़ा गया? अभी तक जो है लास्ट जो पानी इन्होंने अभी छोड़ा है वो अपडेट 2,21,785 क्यूसिक मीटर पानी छोड़ा गया 11 बजे, जो अपडेट हमारे पास अभी मौजूद है। तो क्या कहेगा, अब तक पूरे इंतजाम अब तक पुख्ता किए कर लिए गए हैं? प्रशासन की तरफ से इंतजाम लगातार जारी है और काम चल रहा है। तो उसी को देखते हुए आप जल स्तर देखिए यमुना का उफान पर है, इन सब को देखते हुए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कदम उठा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर रहा है। यानी जितने भी लोग निचले स्थानों पर हैं, यमुना के निचले स्थानों पर, उन सब से अपील की जा रही है कि वो लोग जल्द से जल्द अपना स्थान खाली कर दें और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। कैमरामैन अनिर्वाण के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस।